वेलकम कर लाने और ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी का सेशन नंबर 5। इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे होंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड डोमेस्टिक में हम लोग एनर्जी को किस प्रकार से मेजर करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आपके बिजली बिल बन करके आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे और ये है आपका सबसे लास्ट सेशन जिस यहाँ पर की आपको पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी का था उसका थ्योरी को यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेशन बनेगा वो सेशन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। तो आप इस सेशन को कंप्लीट करो और अगर आपने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो आई बटन में प्ले लिस्ट दिए हुए हैं, उस प्ले लिस्ट को आप क्लिक करो और फटाफट पिछले सेशन को कम्प्लीट करो ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। आज का सेशन है हम लोग पिछले में सीरीज का हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को देख लिए थे, उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा किसका तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहली बात पैरेलल कॉम्बिनेशन बताते किसको है, ठीक है। अगर हम रेसिस्टर को देखिए सीरीज किसे कहते थे, सीरीज हम एंड टू एंड जब कनेक्ट करते थे, ठीक है, तो इसे हम सीरीज कहते थे। बट अगर हम इसे कॉमन एंड को लेकर के इसे इस प्रकार से ऐड करें, ठीक है, ये कॉमन एंड लेकर के अगर इस प्रकार से ऐड करें देन ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद दो डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। इफ वन एंड ऑफ इच रेसिस्टर, ठीक है, अगर एक एंड किसका इच रेसिस्टर का आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, ये कनेक्ट हो एक पॉइंट पे, एंड अदर एंड ऑफ इच रेसिस्टर और अदर एंड किसका प्रत्येक रेसिस्टर का आर कनेक्टेड टू द अदर एंड जो कि कनेक्ट हो दूसरे एंड पर, देन सच टाइप ऑफ रेसिस्टर इज, तो इस प्रकार के रेसिस्टर के मतलब के टाइप ऑफ रेसिस्टर के मतलब क्या कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ रेसिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो अक्रॉस इच रेसिस्टर क्या होगा सेम होगा, वहां पर क्या होता था करंट सेम होता था, ठीक है। सीरीज में प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होता था करंट सेम होता था, यहाँ पर क्या सेम होता है तो वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका मध्य रूप से याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है। करंट थ्रू इच रेसिस्टर आर डिफरेंट, ठीक है, प्रत्येक रेसिस्टर के मतलब की अक्रॉस क्या होता है करंट डिफरेंट होता है, ठीक है, करंट तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो कंसीडर टू रेजिस्टर आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड पैरेलल एज शोन इन फिगर, इस प्रकार से जैसे पैरेलल मतलब सुन मतलब दिया गया है किसमें फिगर में, ठीक है, ये आर वन रेजिस्टर या आर टू रेजिस्टर उसको हम लोग पैरेलली क्या कर दिए हैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये पैरेलली हम इसे क्या किए हैं कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या है आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड, ठीक है, इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, देन द करंट आई रीच पॉइंट ए, ठीक है, जब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ठीक है, यहाँ से जब आई करंट जब निकलता है, ठीक है, तो ये आपका होते हुए ये पॉइंट ए पर जब पहुंचता है, ठीक है, अब इसे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये, अब करंट दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है करंट दोनों तरफ सेम नहीं होता है। करंट को जैसे दो डायरेक्शन मिल गया, जैसे कि आपके पास जैसे अगर मतलब कि ये अगर मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है ऐसा करके ऐसे इसके पास दो रास्ता है, ठीक है, पानी जो बह रहा है इसके पास दो रास्ता है, तो कुछ वाटर इधर भी जाएगा कुछ वाटर इधर भी जाएगा, तो मतलब कि दोनों साइड जरूरत नहीं है कि वाटर सेम ही रहेगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करंट सेम नहीं है,
ठीक है, आई वन विल बी लेस देन आई टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, करंट गोइंग थ्रू आर वन एंड स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में बट गया, ठीक है। I1 going to R1, ठीक है, I1 है जो कि जा रहा है किधर की ओर, तो R1 की ओर, and I2 is going to R2, ठीक है। और जो I2 जो करंट था, ठीक है, वो किधर की ओर जाने लगा, ये R2 वाले के साइड जाने लगा, ठीक है। If R1 is greater than R2, अगर R1 greater than है R2 के, then I1 will be less than, then I1 क्या होगा, less than होगा किससे, I2 से, ठीक है। दैट इज द करंट विल टेंड टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। जो करंट होता है वो लीस्ट रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस कम होता है, उस डायरेक्शन में ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। ये कैसे पता चला, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आई और आर वोल्टेज सेम है, तो आई और आर में जो रिलेशन होगा क्या चीजें, इनवर्सली का रिलेशन होगा, मतलब कि ये इनवर्सली का रिलेशन इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर करंट बढ़ाएंगे देन मतलब रेजिस्टेंस कम है देन करंट ज्यादा होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है देन करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब कि क्या होगा, अगर R1 ग्रेटर देन है R2 से, देन I1 ग्रेटर देन लेस देन होगा किससे, I2 से, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन हमें देखना है, तो हम जान रहे हैं कि टोटल जो करंट था वो I था, ठीक है। एक तरफ I1 गया, दूसरे तरफ कितना गया, I2 गया, दोनों मिलाकर के कितना आना चाहिए, I आना चाहिए, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हम लगाएंगे क्या चीज, ओम्स लॉ को, ठीक है। ओम्स लॉ को किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके अक्रॉस, तो सबसे पहले हम लोग R1 रेसिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे, तो R1 रेसिस्टर के अक्रॉस जब लगाएंगे ओम्स लॉ, वहां हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, सॉरी V इज इक्वल टू I1 R, ठीक है। जो करंट तो होगा कैसे, मतलब वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा I1 R1, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 R1, यहाँ से I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, ठीक है। अब ये देखिए V I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। अब इस दोनों ही वैल्यू को ले जाकर के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, I1 और I2 को, देन आपका क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V R1 और प्लस V R, ठीक है। अब हम लोग जब वो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन था उसका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, वो दोनों को रिप्लेस करके एक इकलौता रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब वोल्टेज भी वी है, देन हम इसे आर इक्विवेलेंट तभी कहेंगे जब जितना करंट पहले निकल रहा था इस पोटेंशियल से उतना ही करंट अब भी निकलेगा, तो हम इसे आर इक्विवेलेंट कहेंगे। देन हम करंट कितना निकल रहा होगा, आई निकल रहा होगा, तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, देन यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और आर की जगह क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम आई की जगह क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आर इक्विवेलेंट आर किसे डिनोट किया है, कोई कोई नहीं, आर की मतलब आर पैरेलल, ठीक है। देन हेंस क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड से हम लोग क्या पाएंगे, ये वाला इक्वेशन पाएंगे। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि इस आरएचएस में वी को आप ले लो कॉमन, ठीक है, तो वी को कॉमन, वी अपॉन आर वी इज इक्वल टू, यहाँ से वी जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो वन अपॉन आर वन और प्लस वन अपॉन आर टू हो जाएगा, ठीक है। ये वी से ये वी कैंसल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन आर वी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन और प्लस वन अपॉन आर टू हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका क्या चीज, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम लोग मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को और बढ़ाएंगे, देन वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर, इस प्रकार से डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आर पी बस नहीं, वन अपॉन आर पी निकालो, उतना ही आंसर को छोड़ दो, आपको इतना निकालने के बाद, इसका वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तब हमें क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमें किसका वैल्यू निकलेगा, आर पैरेलल का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्या कुछ कुछ जो फीचर है वो क्या क्या है, the sum of the reciprocals of individual resistance is equal to the reciprocal of the equivalent resistance Rp, ठीक है। पहला फीचर ये है कि जो
आर पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है, ठीक है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, क्या है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आर वन था उसका रेसिप्रोकल लिया, आर टू था उसका रेसिप्रोकल लिया, दोनों का सम किए, ठीक है, यही आ गया इंडिविजुअल मतलब कि किसका वन अपॉन आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सर्किट्स इन वेरियस रेसिस्टर, ठीक है, सर्किट है इसमें वेरियस रेसिस्टर में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, ठीक है, रेसिस्टेंस के, हायर रेसिस्टेंस ऑफ द ब्रांच द लोअर विल बी द करंट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दो रास्ता मिला है करंट को, ठीक है, अगर इस साइड क्या है आर वन रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इधर आर टू रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आर वन रेसिस्टेंस अगर ग्रेटर देन है आर टू के, देन करंट क्या होगा, करंट आर टू की तरफ ज्यादा फ्लो होगा, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं आई वन लेस देन आई टू आएगा, ठीक है, करंट मतलब कि आर टू की तरफ ज्यादा फ्लो होगा बल्कि आई वन की तरफ कम होगा, मतलब इनवर्सली वर्क करेगा, ठीक है। तो यही था सेकेंड आपका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्या चीज, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर, वोल्टेज जो होगा प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस होगा, आर वन हो आर टू हो, ठीक है, आर थ्री हो, सबके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका तीसरा कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल ग्रुप कंसिडर यूनिट, और ये सेम होगा तो कितना से सेम होगा, तो जितना आपका जितने के पोटेंशियल डिफरेंस को आप लगा रखे हो, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे ही कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये देखिए, ये क्या है आपका थ्री रेसिस्टर्स ऑफ द वैल्यू कितना, वन ओम टू ओम थ्री ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, इसमें कनेक्ट किसमें किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। इफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट हैज टू बी कितना है, वन, इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो सर्किट का है वो कितना है, वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो बताइए कितने के मतलब कि सीरीज कनेक्शन को हम लोगों ने ऐड किया है इसके पैरेलल में, ठीक है। जैसे कि आप देखो ये क्या है आपका, ये है वन ओम, ठीक है, वन ओम, ये है आपका कितना, टू ओम, ठीक है, और ये है आपका कितना, थ्री ओम, ठीक है, थ्री ओम। अब ये सारा का सारा किस चीज में इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये कॉमन एंड से ऐसे करके ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ कोई एक सीरीज में अननोन रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, इससे हम अननोन नोड को नाम देते हैं आर, ठीक है। देन जब इसका हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, वन ओम के बराबर। तो बोला यही आर का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पैरेलल का हमें आर इक्विवेलेंट कितना आता है, ठीक है। तो इस पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। यहां से वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री, ठीक है। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा आपका, सिक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिक्स और प्लस थ्री और प्लस कितना हो गया, टू, ये हो गया वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिक्स थ्री नाइन नाइन और टू इलेवन, इलेवन अपॉन सिक्स, ठीक है। देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा क्या चीज, रेसिप्रोकल, तो सिक्स अपॉन इलेवन, ठीक है। अब ये आर इसके साथ ऐड करेंगे इसको, सिक्स अपॉन इलेवन और प्लस आर इक्वल टू कितना ना चाहिए, वन, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस सिक्स अपॉन इलेवन, दैट इज कितना हो गया, फाइव अपॉन इलेवन, ठीक है। तो जो आर का वैल्यू आ गया, ठीक है, वो कितना आ गया, तो फाइव अपॉन इलेवन,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके इस अननोन वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ द लीस्ट रेसिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड बाय कमिंग कंबाइनिंग रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम 3 ओम एंड एक्स ओम इज 1 ओम। ठीक है, इस तीन का 6 ओम का 3 ओम का और एक्स का, ठीक है, इसे कंबाइन किया गया क्या चीज में, ठीक है, जो मतलब लीस्ट रेसिस्टेंस पाया जा रहा है। ठीक है, लीस्ट रेसिस्टेंस हम लोग को किस कनेक्शन में मिलता है, तो लिस्ट रेसिस्टेंस हमें पैरेलल कनेक्शन में मिलता है। ठीक है, लिस्ट रेसिस्टेंस हमें किस कनेक्शन में मिलेगा, तो पैरेलल कनेक्शन में मिलेगा। अब पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, 6 3 और एक्स का, तो इसका जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ से एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, ये 6x यहाँ हो गया x और प्लस, ठीक है, ये हो गया 2x, सॉरी हाँ 2x और ये प्लस हो गया डच इज 6। ठीक है, इतना इज इक्वल टू 1 अपॉन r इक्विवेलेंट, जो 1 अपॉन और r इक्विवेलेंट आया कितना है, तो 1 आया। ठीक है, देन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x और प्लस 6 और डिवाइड बाय कितना हो गया, 6x। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3x और प्लस 6, 3x प्लस 6, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया आपका, 2। ठीक है, मतलब x जो था वो कितना था, 2 था, 2 ओम। ठीक है, तो यही हो गया प्राचीन आंसर। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, टू कॉइल्स हैव अ कंबाइंड रेसिस्टर्स ऑफ 15 ओम। ठीक है, दो कॉइल का जो कंबाइंड रेसिस्टर है वो कितना है, 25 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया था 25 है एंड 4 ओम है कनेक्टेड इन पैरेलल, 4 ओम है जब इसको हम लोग क्या चीज में पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे दो रेसिस्टर। ठीक है, लेट टू रेसिस्टर बी आर वन एंड आर टू। ठीक है, आर वन और आर टू दो रेसिस्टर। ठीक है, तो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू कितना है, 2500, 25। ठीक है, 1 अपॉन r1 और प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन। ठीक है, जब इसे हम ये इक्वेशन फर्स्ट हम रहने देते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे r1 r2 और ऊपर में हो जाएगा r2 प्लस r1 इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, r1 प्लस r2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 25। तो 25 अपॉन R1 R2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन हो जाएगा R1 R2 इक्वल टू 100। ठीक है, R1 और R2 का जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, हो गया कितना, 100। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, तो अब हमें यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या चीज, R1 इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करो। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस 2 R1 R2, ठीक है, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, R1 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, ये दोनों की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 2ab, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 2ab को, प्लस 2 R1 R2। ठीक है, ये इसके जगह पर लिखे हैं, अभी सिर्फ हम इतना के जगह पर हम किसको लिखे हैं, ये वाली चीज को लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस b का होल स्क्वायर
और माइनस टू ए बी को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, प्लस टू ए बी, ठीक है, तो वही चीज को लिख दिए। और टू आर वन आर टू पहले से था तो टू आर वन आर टू हो गया इजकल टू कितना 625, ठीक है। अब ये हो गया आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 625 और माइनस 4R1R2, तो 4 और R1R2 का जो वैल्यू था कितना था 100 था, तो इन टू हो गया 100, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कितना 225, ठीक है, 225 हुआ। अब बाकी सॉल्यूशन हम इधर करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इजकल टू 225, ठीक है। यहाँ से R1 माइनस R2 इजकल टू हो जाएगा कितना, तो 15, ठीक है, 15 हो गया। और R1 प्लस R2 कितना है, तो 25 है। दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट था, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो R1 R2 कैंसिल आउट होगा, नहीं R2 R2 कैंसिल आउट होगा, तो हो जाएगा 2R1 इजकल टू 40, देन R1 इजकल टू कितना 20। इसी प्रकार से जो R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, ठीक है। देन R1 और R2 का हम लोग वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, तो ये होगा कैसे आंसर आप, ठीक है, 20 ओम एंड 5 ओम। इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के क्वेश्चन को किए। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो द अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच द हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है इन अ वायर, ठीक है, वायर के बीच में हीट प्रोड्यूस होता है, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जैसे कि कोई एक वायर है, ठीक है, इस वायर से अगर करंट पास हो रहा है तो करंट पास होगा तो ये वायर क्या होगा, हीट होगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस करेगा, इसी इसी मतलब कि जो फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जूल्स ने अपना कुछ एक लॉ दिया था, जूल्स जो कि 1841 में जूल फाउंड किए थे कि जब करंट पास होता है किसी एक कंडक्टर से देन हीट प्रोड्यूस होता है उसके अक्रॉस, और जो हीट प्रोड्यूस होता है वो अपने अनुसार एक लॉ को दिए थे, बोले थे कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो स्क्वायर ऑफ करंट के होगा, ठीक है, जो करंट जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो अक्रॉस देन, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तीसरा में क्या चीज के, तो टाइम, मतलब हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। अब सारे को जब हम तीनों तीनों ही ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तीनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या चीज मिल जाएगा, ठीक है, ये कंबाइनिंग एवं द थ्री इक्वेशंस देन हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो k i स्क्वायर r t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो k का वैल्यू होता है ये आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हम इस k को लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे h इज इक्वल टू कितना, i स्क्वायर r t डायरेक्ट, ठीक है, और यही हो जाएगा क्या चीज, आंसर। और जो ये आंसर होगा ये किस में होगा, इन कैलोरी, ठीक है, या फिर इसी का यूनिट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, जूल, ठीक है। हियर जे इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड हैज वैल्यू ऑफ कितना, 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है, ये एक्चुअली आपका क्या चीज में रहता है, ठीक है, ये आपका एक्चुअली जब इसको जूल से ये डिवाइड करके लिखेंगे तो ये किसी में कैलोरी में रहेगा,
ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को लिखते हैं, ठीक है, जहां पर आई क्या था आपका करंट था, ठीक है, ये क्या था करंट था, और उसके बाद आर क्या था तो रेसिस्टेंस था, ठीक है, आर क्या था रेसिस्टेंस था और टी क्या था तो टाइम था, ठीक है, तो ये हुआ आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो वर्क हो रहा है हम लोग के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चीज को उसके मतलब वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, जो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू Q इनटू V, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और जो Q होता है यहाँ पर वो होता है किससे आई टी के बराबर, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़ के रखे हैं कि आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी, देन हम क्या लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है, अब इस क्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ से आई टी के द्वारा, तो हो जाएगा वर्क डन बराबर कितना वी आई टी, ठीक है, वी इंटू आई इंटू टी, ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो जानते हैं वी इक्वल टू क्या जानते हैं आई आर है, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर कहाँ से जानते हैं, तो ये ओम्स लॉ से जानते हैं, ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं वी को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से किस चीज से, तो आई आर से, देन हम यहाँ पर क्या रिप्लेस किए तो क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई टी, देन क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया डबर्कडन बराबर क्या चाहिए आई स्क्वायर आर टी, तो इस प्रकार से हम लोग कितने फॉर्मूलाज को देखें, तो एक फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, या आपका दूसरा फॉर्मूला वी आई टी, और तीसरा फॉर्मूला ये आपका वी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस शो दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड depends on the product of the square of the current flowing through the resistance and that the time, ठीक है, ये आपको शो करता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डिसिपेटेड होता है, ठीक है, वो कंज्यूम मतलब जो क्या कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एनर्जी को, वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कितना टाइम के लिए वो फ्लो किया, ठीक है, करंट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट ये है ESI और जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो होता है सबसे पहले SI यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और कमर्शियल यूनिट होता है वो आपका कैसे किलो वाट आवर होता है, जिसे हम लोग वन यूनिट के रूप में जानते हैं, ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझेंगे वन यूनिट है क्या, ठीक है, तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो बिगर यूनिट को यूज करते हैं, और वो है आपका कितना किलो वाट आवर, ठीक है, हम इसे किलो वाट आवर कैसे लेंगे, ठीक है, आप देख रहे हो इसमें बहुत सारा चीज आ रहा है, ठीक है, तो किलो वाट आवर कैसे लेंगे, तो यहाँ पर क्या था आपके पास आई स्क्वायर आर टी था, ठीक है, अब आई स्क्वायर आर टी है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो इतना चीज को जब हम ये किसका वर्क डन का चीज है जब इसे हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो टाइम टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या चीज है पावर है, और पावर का जो यूनिट होता है मेगा यूनिट होता है वो क्या होता है किलो वाट होता है, ठीक है, तो ये हो गया किलो वाट, ठीक है, अब इसमें टाइम भी था, ठीक है, एनर्जी के लिए क्या था टाइम भी था, तो टाइम के लिए हम लोग बिगर यूनिट का लिए आवर लिए, तो इस प्रकार से जो बिगेस्ट जो यूनिट बना वो बना क्या चाहिए किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर जो होता है, ठीक है, वो रेटिंग रेटिंग ऑफ क्या होता है 1 किलो वाट होता है, मतलब 1 किलो वाट इज यूज फॉर 1 आवर, ठीक है, जब 1 किलो वाट 1 किलो वाट का जो पावर होता है, ठीक है, इसका जब हम लोग कंजप्शन करेंगे कितने कितने देर के लिए, तो 1 आवर में, देन जब इस तब जो एनर्जी कंजप्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे 1 किलो वाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर इज द एनर्जी सप्लाइड बाय रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1000 वाट्स फॉर 1 आवर, ठीक है, 1000 वाट्स को मतलब 1 किलो वाट का मतलब क्या होगा 1000 वाट, ठीक है, 1 किलो वाट आवर को अब हम लोग देखते हैं जूल्स में कितना होता है, ठीक
ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर को जूल्स में हम लोग चेंज करेंगे तो जूल जो होता है क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है, ये केस में होता है, केस में जूल्स में होता है। तो सबसे पहले किलो वाट मतलब कितना, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट हो गया। अब आवर, तो 1 आवर का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो सेकेंड होगा, और सेकेंड मतलब कितना, 3600 सेकेंड। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 और 3 सुना इधर और 2 सुना इधर, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 सुना हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, ये 3 2, ठीक है, तो इतना हो गया आपका, इतना जूल हुआ। ठीक है, इसे अच्छे से लिखेंगे तो 3 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 × 10^2 कितना लिखेंगे, 6 जूल। ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, हम लोग के घर में जब बिजली बिल आता है, ठीक है, देन हम लोग जो एनर्जी का यूज करते हैं वो क्या होता है आपका, यही होता है 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट है आपका कैसी इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो डिफिनेशन, तो सबसे पहले द रेट हिज एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंजप्टेड। ठीक है, जो रेट होगा किसका, एनर्जी कंजप्शन का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। ठीक है, जब रेट का बात आया तो हम लोग सबसे पहले नीचे क्या लिख लेंगे, डिवाइड बाय टाइम लिख लेंगे। अब डिवाइड किसको कहेंगे, करेंगे किसका रेट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ले रहे हैं, तो मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही हो जाएगा किसके, पावर के बराबर। तो P बराबर क्या हो गया, I, E अपॉन T हो गया। ठीक है, पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम जानते हैं। ठीक है, यही एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम, अब वर्क का जो हम लोग के पास जो वैल्यू था, ठीक है, वो कितना था, ठीक है, वर्क का वैल्यू जो था वो क्या था, IT था, VIT। ठीक है, VIT, इस VIT को हम ले जा करके यहाँ पर पुट करेंगे, देन पावर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, VIT और डिवाइड बाय T, टाइम से टाइम कैंसिल, और देन आपका क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। मतलब पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा P इक्वल टू VI। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो आपके पास क्या है, पावर इक्वल टू VI है। ठीक है, पावर इक्वल टू VI। अब क्या करेंगे, इसमें ओम्स लॉ से हम रिप्लेस करेंगे बारी बारी से, एक बार वी को रिप्लेस करेंगे, एक बार आई को रिप्लेस करेंगे। तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई आर इंटू आई, देन क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, ये पावर बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी अपॉन आर लिखेंगे। ठीक है, इस आई को ले जाकर के फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी, और आई की जगह क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा, मतलब कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पी इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, पी इक्वल टू ये हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी था फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर पॉइंट इसी का। ठीक है, जो कि कहता है एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, तो एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट क्या होगा, तो सबसे पहले हम एसआई यूनिट का बात करें, तो एसआई यूनिट जो पावर का होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से या शायद स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, हाँ ठीक है, डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद जो डिफिनेशन है 1 वाट का वो ये है, सबसे पहले पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब जब हमें 1 वाट चाहिए मतलब कि 1 जूल एनर्जी भी होना चाहिए और 1 सेकंड में कंजप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय द अप्लायंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, अप्लायंस के द्वारा 1 सेकेंड में अगर कंजप्शन हो रहा है, देन हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंस इज कितना कहेंगे, 1 वाट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होगा अप्लायंस का वो कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर का ही और दूसरा यूनिट होता है अपने पास, वो होता है हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, जो कि ज्यादातर हम लोग क्या चीज में बोर्ड इसमें मोटर वगैरह में जो हम लोग मतलब उसके
पावर को जो हम लोग मेजर करके रखे हुए ग्राम होते हैं, हम लोग किसमें एचपी में किए रहते हैं, या फिर कोई बड़ा बड़ा मशीन हो गया, ट्रैक्टर वगैरह का जो इंजन वगैरह हो गया, इन सब का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो किसमें करते हैं, एचपी में ही करते हैं। ठीक है, तो ये था मतलब कि इसके यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करें। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। ठीक है, कैलकुलेशन किसका, इलेक्ट्रिक वेव का फोर्थ टॉपिक है। जैसे कि एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा जो एनर्जी को कंप्लीट लिया गया, ठीक है, उसे हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंस, ठीक है, पावर ऑफ अप्लायंस इन वाट, ठीक है, इनटू टाइम इन आवर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, किलो वाट आवर है। ठीक है, तो ये देखिए हम इस प्रकार से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, 100 से भागा दे देंगे। ठीक है, और यही आ जाएगा आपका क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, वन मतलब किलो वाट आवर में आएगा। और इसी का जो मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा, जितना किलो वाट आवर होगा मतलब कि होता ही क्या होगा, यूनिट्स होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको पे करते हैं। जैसे एक यूनिट का कुछ रेट होता है, जैसे 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट आया, तो ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जाकर के फटाफट पेटीएम और फोन पे जिससे करना है पे फटाफट पे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, आपका पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, पावर वोल्टेज जो रेटिंग, जैसे हम लोग देखते हैं जब पहले ये जो 100 वाट वाला जो पीला वाला बल्ब लाते थे, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ होता था आगे में, यहाँ पर लिखा हुआ होता था इस प्रकार से, 100 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसे टू एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया, रेडियो हो गया, फैन हो गया, हैज अ लेवल और एक ग्रेवेट प्लेट ऑन इट व्हिच टेल्स अस द वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय इट। ठीक है, जो कि आपको क्या बताता है, तो उसके पावर को बताता है और उसके क्या चीज को, वोल्टेज को बताता है कि इतना के वोल्टेज पे वो इतना पावर कंजम्पशन करेगा, द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी लुक द पार्टिकुलर बल्ब इन आवर होम। जब हम लोग पार्टिकुलर किसी एक बल्ब को देखेंगे होम पर, जो कि इस प्रकार से 220 वोल्ट कितना 100 बार, ठीक है, रिटन ऑन इट इस पे लिखा हुआ है। नाउ 220 वोल्ट मींस, यहाँ पर 220 वोल्ट का मतलब क्या है, ठीक है, कि जब बल्ब को हम लोग 220 वोल्ट पर यूज करें, ठीक है, बल्ब इज यूज ऑन द 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हिच मींस इट्स पावर कंजप्शन इज 100 वाट। जब हम लोग 220 वोल्ट पर जब हम लोग इसको यूज करेंगे, तब जो पावर होगा आपका कितना होगा, 100 वाट। ठीक है, या फिर 100 जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है, देन सप्लाइड द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। तो हम लोग इसका मतलब क्या समझे, 100 कॉमा 220 वोल्ट का मतलब क्या समझे, कि 100 जूल पर सेकेंड इज द कंजप्शन बाय द बल्ब एट 220 वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को रखेंगे, तब हमारे पास जो पावर ऑफ कंजप्शन होगा वो 100 वाट के बराबर होगा। ठीक है, तो यही था रेटिंग। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है कंबिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पर। ठीक है, उस कंबिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 15 बल्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 60 वाट ईच। ठीक है, 15 बल्ब है जिसका जो इलेक्ट्रिक पावर है वो 60 वाट है प्रत्येक। ठीक है, रन फॉर 6 आवर, इसको 6 आवर के लिए डेली चलाया जाता है, एंड अ रेफ्रिजरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ईच, कितना जो रेफ्रिजरेटर है इलेक्ट्रिक पावर उसका कितना है, तो 300 वाट है पावर। ठीक है, रन्स फॉर कितना के लिए, तो ये 5 आवर के लिए पर डे चलता है। ठीक है, फाइंड आउट द पर डे बिल एट 3 रुपीज पर यूनिट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 15 बल्ब। ठीक है, 15, और पावर इसके साथ कितना का है, 60 का है। ठीक है, और इनटू कितना देर के लिए, तो 6 आवर के लिए, तो 6 आवर और डिवाइड में कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 15 बल्ब के कारण निकल गया। अब नेक्स्ट इसी के साथ ऐड कर देंगे इसको, तो ये जो 300 वाट वाला डेली चल रहा है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर, तो 1 रेफ्रिजरेटर इनटू
300 वाट ठीक है, और इनटू कितना देर के लिए, तो 5 घंटा के लिए ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे कितना से, फिर से 1000 से, तो यही हो जाएगा हमें टोटल क्या चाहिए, टोटल किलो वाट आवर में निकल जाएगा, मतलब टोटल यूनिट निकल जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर ले, 10 से 10 कैंसिल आउट ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 6 6 36, ये हो जाएगा 15 6 90, और 90 6 का आपका क्या हो गया 540, और डिवाइड बाय कितना हो गया 100, और प्लस 3 5 150 ठीक है, 150 बटा कितना हो गया 100 ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो गया 1.5, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 5.4 और प्लस 1.5 ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 9, ये हो गया 6.9 यूनिट ठीक है, इतना यूनिट हुआ। अब इसका जैसे हमें खर्च निकालना है, तो एक यूनिट का जो कॉस्ट है, एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 रुपीज ठीक है, 3 रुपीज, तो यहाँ से 6.9 यूनिट का जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 6.9 इंटू कितना होगा 3, तो 9 3 27, तो हो गया 7, और ये 2 ठीक है, 6 3 18 18 7 26, तो हो जाएगा 25.7 रुपीज ठीक है, तो हमें खर्च आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25.7 रुपया ठीक है। ये हुआ मतलब कि ये एक दिन का कंजप्शन हुआ ठीक है, ये एक दिन का कंजप्शन हुआ। अब हमें इसी के इसी से हमें कितना का निकालना है, 30 दिन का निकालना ठीक है, पूरे 30 दिन का, एक घंटा का, एक दिन में हम एक महीना मान लेते हैं, ये 30 दिन वाला महीना है ठीक है, तो इसका 30 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, वही हो जाएगा आंसर, तो 30 इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। तो ये था आपका इसके बेसिस पर, तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू लैंप्स ठीक है, दो लैंप, वन इज रेटेड एट 100 वाट ठीक है, एक को रेट किया गया 100 वाट पर, 100 वाट 220 वोल्ट पर, एंड दूसरा को रेट किया गया 60 वाट 220 वोल्ट ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको कनेक्ट किया गया पैरेलल में ठीक है, टू आ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, जिसको इसका सप्लाई कितना है 220 वोल्ट है ठीक है, व्हाट इज द करंट ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई लाइन, इसे कैसे कनेक्ट किया गया, तो इस प्रकार से पैरेलली, तो एक है आपका कितना 60 वाट और दूसरा कितना 100 वाट ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट कर लिए इससे, तो 220 वोल्ट वाले से ठीक है, 220 वोल्ट वाले से, अब इसे हमारे इसके पास भी कितना 220 वोल्ट मिल रहा होगा ठीक है, यहाँ पर भी हमें कितना मिल रहा होगा 220 वोल्ट मिल रहा होगा ठीक है, तो 60 वाट आपको 220 वोल्ट पे मिल रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ से ये पावर दिया हुआ है ठीक है, ये पावर दिया हुआ है, ये आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, मतलब हम क्या लगा सकते हैं, पावर बराबर वी स्क्वायर आर लगा सकते हैं ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एक बार फॉर्मूला को ठीक है, यहाँ से पावर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट अपना दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, मतलब कि क्या वोल्टेज दे रखा है, तो हम रिप्लेस करेंगे V इक्वल टू जो आई आर होता है ठीक है, तो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे किसको, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर ठीक है, देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर ठीक है, V बराबर इतना होगा ठीक है, तो यहाँ से V स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा ठीक है, तो पावर बराबर ये हो गया ठीक है, V बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, तो हमें जब यहाँ से रिस्टांस निकालना हो तो हम क्या लगा सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी को लगा सकते हैं ठीक है, बी आर बराबर क्या हम लगाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन बी को लगाएंगे, आर बराबर क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन बी को, तो सबसे पहले हम आर को निकालेंगे ठीक है, किसके लिए, तो बी स्क्वायर दोनों के लिए कितना हो जाएगा 220 × 220 हो जाएगा ठीक है, पहला एक था 60 वाट, तो 60 वाट के लिए निकालेंगे, उसके बाद दूसरा आर टू निकालेंगे, तो ये भी हो जाएगा अपना कितना 220 × 220 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 वाट ठीक है, 10 10 10 ये 10 ठीक है, ये 10 से ये 10, देन आर वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से कितना बार में 3 बार में, ये 2 से कितना बार में 110 बार में ठीक है, 11 11 121 121 गुना क्या हो गया आपका 2 4 2 0 ठीक है, कितना हो गया आर वन, देन आर टू कितना हो जाएगा
484 ठीक है, R2 कितना हो गया 484 ओम हो गया ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई, करंट कितना सप्लाई हो रहा है ठीक है, कितना निकल रहा है किससे, सप्लाई से। तो सबसे पहले हम यहां से अब क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाएगा लगाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2 को लगाएंगे ठीक है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को लगाने के लिए ठीक है, लेकिन कितना 1 अपॉन 2420 और प्लस 1 अपॉन कितना 484 ठीक है। यहां पर लेंगे क्या चाहिए, एलसीएम 2420 ठीक है। अब 24280 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो गया 1 और ये हो गया प्लस में कितना 5, तो ठीक है 5 प्लस ये हो गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ठीक है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल करके कितना आया, तो 6 अपॉन 2420 और ये हो जाएगा क्या, यहाँ से आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2420 डिवाइड बाय 6 ठीक है। ये हो गया आपका किसका, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है ठीक है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सर्किट था ठीक है, तो सर्किट को से जो मतलब कि जो भी था उसका वो कितना था, 220 वोल्ट था ठीक है। तो ये हो गया 220 वोल्ट ठीक है, 220 वोल्ट ठीक है। वी इक्वल टू क्या होगा, आईआर, तो वी इक्वल टू आईआर, आई हमें पता नहीं ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2420 और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा ठीक है। देन आई बराबर क्या हो जाएगा, 220 इनटू 6 और डिवाइड बाय 2420, 10 से 10 कैंसिल आउट ठीक है, 11 दुना 22 और यहाँ से हो जाएगा 11 दुना 22, 11 दुना 22 ठीक है 22 और ये हो गया आपका 2 से 11 बार में ठीक है, तो हो जाएगा 6/11 एम्पीयर ठीक है। जो करंट का हमें वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6/11 एम्पीयर। यही हमें क्या कहाँ से मिल रहा होगा, अपने सप्लाई से मिल रहा होगा ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को किए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लगाना अपने कॉपी के अंदर ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर ठीक है। आपको एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है ठीक है, जिसका करंट है जो कि कितना फ्लो कर रहा है, 0.25 एम्पीयर फ्लो कर रहा है ठीक है। हीटर फॉर 5 मिनट्स, टाइम कितना है आपका 5 मिनट्स ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 230 वोल्ट ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है भी। तो अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है ठीक है। E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अपने पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ठीक है, हमें R नहीं दिया हुआ है ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम दिया हुआ है, तो हमें R निकालना है ठीक है। चलते हैं इसके अलावा और देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूलाज है। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे आई आर की जगह ठीक है, इस पूरे आई आर की जगह हम क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू आई टी ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। तो हो जाएगा भी आई टी ठीक है। हमारे पास ई कितना है, 230 वोल्ट ठीक है, इंटू आई कितना है, 0.25 ठीक है, और उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम हो गया अपना 5 मिनट, मतलब 5 इंटू और इसे सेकंड में फिर सेकंड करेंगे, चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, हो गया कितना, 230 इंटू 5 ठीक है, और इंटू 0.25 और इंटू कितना हो गया, 60 हो गया। ये 0 ठीक है और ये 0 ठीक है, इस पॉइंट को लेंगे ठीक है। उसके बाद कितना है, 2500 और 156 कितना, तो 15 × 90 मतलब कि 900, तो 23 और गुना क्या हो गया, 900 ठीक है, इतना ही कुछ जूल आ जाएगा अपने पास, आप कैलकुलेशन कर लेना इसे मल्टीप्लाई करके ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड हमको निकालना था, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी किए ठीक है। होते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसमें ये आपका क्या चीज है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है ठीक है, इस चैप्टर का ये है सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि हो गया क्या चाहिए आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया ठीक है, रूम हीटर
ये वर्क किस पे करता है, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है एंड आर रेटेड इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड वाटेज, ठीक है। और ये सबका रेटिंग कैसे होता है, वोल्टेज और वाट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग पीछे देखे थे कितना 220 वोल्ट का, और ये 100 वाट करके रेटिंग होता था, ठीक है। इसका मतलब होता था कि 100 वाट का मतलब पावर होगा किसके कम, जब 220 वोल्ट का हम लोग पावर सप्लाई देंगे तब, ठीक है। द कॉइल्स ऑफ दिस डिवाइस आर मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ वेरी हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। जो कॉइल्स होता है, ठीक है, इस डिवाइस का ये बना हुआ होता है किसका, भैया बहुत ही हाई रेसिस्टेंस का, जो रेसिस्टेंस कितना होता है आपका नाइक्रोम में, ये सब जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो मटेरियल होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, ठीक है। सच दैट व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल, जब करंट पास करता है, ठीक है, कॉइल से हीट इज जनरेटेड, तो हीट जनरेट करता है। जनरली द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द सेम एज दैट ऑफ द मेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जो मतलब कि जनरली जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से वो सेम होता है किसके, मेंस से। मतलब कि जो मेन हम लोग देते हैं जैसे कि 220 वोल्ट या 230 वोल्ट इंडिया में जो हम लोग देते हैं, ठीक है, यही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही आपका मेन आपके पास किसके पास पहुंचता है, तो जो अप्लायंसेस होता है उसके पास पहुंचता है। यूएसए में जो होता है वो कितना होता है, 110 वोल्ट होता है, ठीक है, या फिर कनाडा में कितना होता है, 110 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसको कहेंगे, तो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ इजीली फ्यूजिबल वायर, ठीक है, एक इजीली फ्यूजिबल वायर होता है जिसका कोई फिक्स रेटिंग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये कोई वायर है, ठीक है, इसका रेटिंग एकदम फिक्स है कि अगर ये 5 एम्पीयर का करंट तक पास कर सकता है, तो इससे अगर गलती से 5 एम्पीयर से ज्यादा हुआ, 5.1 एम्पीयर जैसे ही हो जाएगा, ये अपने आप वायर क्या हो जाएगा, ब्रिज से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है, देन करंट ये जाने से रुक जाएगा। तो जो हम लोग फ्यूज को लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो ये मतलब कि जो जो अप्लायंसेस होता है, ठीक है, जब अगर मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज अचानक से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो बी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, तो आई बढ़ने के कारण जैसे रेटिंग जिसका जितना है, ठीक है, जितना लेने का चीज है, अगर उससे ज्यादा गया तो क्या करेगा, हार्म कर जाएगा किसको, अप्लायंस। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फिक्स रेटिंग का लगा देते हैं ताकि उससे ज्यादा जैसे ही हो ये पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाए और आगे हमारे अप्लायंस को बचा ले, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। इट अरेंज टू मेल्ट टू एट अ डिफिनेट करंट, ये इस प्रकार से अरेंज होता है कि ये डिफिनेट करंट के लिए क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, ठीक है। इट इज एन एलॉय ऑफ लेड, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, एलॉय है किसका, लेड का, क्योंकि 37% लेड होता है और क्या होता है 63% क्या होता है, टीन होता है, जिसके पास लो रेसिस्टिविटी होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। As soon as the safe limit, ठीक है, safe limit of the current exceeds, ठीक है, इससे क्या होता है, safe limit में क्या होता है, current exceeds करता है, जो कि fuse blow कर जाता है, कब, जब circuit cut off होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस chapters को ही complete किया, ठीक है। मिलते हैं next session में, तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you, have a nice day, and